हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 20 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहेगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेंड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे चलें तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा। जहां पर देखें तो अगर हम इस स्टॉक की पास्ट की बात करें तो 1 साल में इस स्टॉक में 45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और 6 महीने में इस स्टॉक में 31% से भी ऊपर ग्रोथ देखने को मिली है और 3 महीने में इस स्टॉक में 4% की गिरावट भी देखने को मिली है और 1 महीने में ये स्टॉक 11% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म की तो बात करें तो इस स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, जहां पर इस स्टॉक का एक अहम सपोर्ट लेवल 38 रुपये, वहां से इस स्टॉक में लगातार एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और ये स्टॉक देखें तो एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट 45 रुपये 50 पैसे पर है, वहां से इस स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक 50 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक अहम स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए जो कि 42 रुपए 50 पैसे, जो कि यहाँ से अराउंड 1 रुपए नीचे है। यहाँ पे इस स्टॉक का आप स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म 144 रुपए और सेकेंड टारगेट 45 रुपए, और 45 रुपए 50 पैसे के बाद में इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।